निसान कुछ सालों से जो है इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन हाल फिलहाल में अपनी जो ग्रिप छोड़ती जा रही थी, लेकिन पिछले साल के आखिर में ही उन्होंने ये मैग्नाइट लॉन्च करी है, जिसकी वजह से वो दर्शाते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है, और वो सीरियसली भी ले रहे हैं इस जो है गाड़ी को लेकर भी और अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर लेके गई, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट क्यों ना हो। तो ये जो है मैग्नाइट जो है ये हमारे सामने अब अवेलेबल है, हमने इसके ऊपर सारी तरह टेस्ट करे हैं, तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव। आप सभी को याद होगा कि ऑटो एक्सपो के अंदर कुछ साल पहले जो निसान ने अपनी डैटसन विंग के साथ जो है गो क्रॉस दिखाई थी, अब वो जो गो क्रॉस था वो कहाँ चला गया, किसी को मालूम है? नहीं पता ना, वो यहाँ पर चला गया। जी हाँ, वो मॉडल शिफ्ट होके निसान में अब लाया गया है। उसी के वजह से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट जो है उस कॉन्सेप्ट के आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो जो पूरी की पूरी वैसे तो हेडलैम्प सेटअप है वो अलग है, ये स्लीक कर दिए गए हैं, और LED यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर लैम्प दिए गए हैं, ऊपर ही LED टर्न इंडिकेटर, नीचे ही आपको यहाँ पर DRLs मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये गाड़ी चलते हुए। लेकिन हाँ, ये जो ग्रिल है ये फेमिलियर नहीं लगती निसान की तरफ से, जो कि बहुत वाइड है। हाँ, ये डैटसन जैसा लैंग्वेज है, डिज़ाइन लैंग्वेज वैसा ही शो कर रही है, बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये निसान की डिज़ाइन लैंग्वेज से कुछ अलग दिखाता है। तो उस चक्कर में मुझे यहाँ पर जो डिज़ाइन वैसे लग रहा है वो ओके लग रहा है, मैं उसे बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ देखने के मामले में शार्प और बोल्ड लुक आ रहा है यहाँ पर। तो ऊपर से यहाँ पर जो है आपको क्रोम का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा मिला हुआ, नीचे स्किड प्लेट और यहाँ पर भी आपको फोग लैंप यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये था फ्रंट का हिसाब, अब चलते हैं साइड प्रोफाइल, देखते हैं कैसी है। अब जो इसका जो साइड प्रोफाइल है, सबसे पहले हम देखा जाए तो इसके डायमेंशंस वैसे तो कैटेगरी तो सब 4 मीटर SUV वाली है, लेकिन हाँ इसके ओवरऑल वैसे डायमेंशन देखा जाए तो उनसे भी कुछ छोटी है, यानी कि वैसे तो विड्थ में थोड़ी सी छोटी है और लेंथ वाइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन व्हील बेस भी आपको उतना ही मिलने वाला है। वैसे तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है वो ट्रैवर वाला है, तो ट्रैवर में ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो जो स्टैंडर्ड व्हील बेस साइज़ है या कि जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, जैसे आपको देख रहे हो कि बहुत बड़े जो पैच दिए गए हैं, ये क्लैडिंग दी गई है व्हील आर्चेस के ऊपर, जो कि देखने के मामले में उतनी अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन ओके है। व्हील्स का जो साइज़ है वो 16 इंच का दिया गया है, 195 सेक्शन का है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे जो सेगमेंट स्टैंडर्ड है उससे लगभग जो है 20 mm के फ़र्क में है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 10 mm का मान के चले मिनिमम जो इसका फ़र्क आता है। लेकिन परफॉर्मेंस में कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्रेट रूफ लाइन है, यहाँ से पीछे आते हैं स्लांट आ रही है, जो यहाँ पर जो विंडो लाइन भी है वो स्ट्रेट आउट ही है, लेकिन हाँ यहाँ से जो मसल ऐड होना चालू होते हैं वो बहुत ही अच्छा करेक्टर ऐड करते हैं, साथ ही में आगे भी आपको काफ़ी अच्छा मसल ऐड देखने को मिलने वाला है। और ऊपर से क्रोम का भी इस्तेमाल करा गया है, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी फिनिश दी गई है, और जो कि व्हील आर्चीज हैं इसके वो उसी के ऊपर ही आपको अच्छा खासा जो है ये मसल्स देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वैसे तो इसमें डुअल टोन का कलर का ऑप्शन भी आ रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे तो आप ग्लोसी ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर आपको इसका कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें फीचर आ रहा है 360° कैमरे का। तो ये थी साइड प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताऊँ जो कि है इसकी रूफ रेल्स यहाँ पर फंक्शनल दी गई हैं और देखने के मामले में भी अच्छी है। तो अब चलते हैं रियर की प्रोफाइल देखने। अब रियर प्रोफाइल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मेन मसल्स हैं यहाँ से होते आ रहे हैं, बड़ी सी आपको जो है ये टेल लैम्प दिए गए हैं, सी शेप में दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ LED का इतना इस्तेमाल तो नहीं कर रखा, लेकिन नॉर्मल लगेंगे आपको, इतने कुछ खास नहीं लगेंगे। लेकिन एक और खासियत है इसका, जो सी पिलर है वो स्लांट होते हुए आ रहा है, सामने की तरफ से अगर आपने देखा हो तो नोटिस किया हो तो सी पिलर स्लांट होते हुए आ रहा है, जो कि सेगमेंट में कोई भी ये सी पिलर इतना स्लांट नहीं दिया गया, क्योंकि सेगमेंट जो है वो टाइट सेगमेंट है। तो डिज़ाइन लैंग्वेज जो है यहाँ पे रेनो और निसान ने काफ़ी वेल इंजीनियर करी हुई है लो स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन फैक्टर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी डीफोगर ये जो है यहाँ पर आपको ये मिलेंगे,
पीछे के रियर वाइपर, और ये जो है यहाँ पर आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा जिसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन अलाइनमेंट आया हुआ है। स्टॉप लाइट भी ऊपर दी गई है। यहाँ पे मेन प्लेन है, नॉर्मल दिया गया है, थोड़े से मसल यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। नीचे आपको स्लिट प्लेट भी देखेगी। यहाँ पे बड़ा सा बैजिंग दिया गया है मैग्नाइट का। तो यही था रियर प्रोफाइल के अंदर। लेकिन हाँ, अब जो इसका डिज़ाइन है वो आपको ज़रूर देखने के मामले में ओके लगने वाला है। मुझे आपकी पर्सनल चॉइस है इसके ऊपर। अब इसका जो बूट साइज़ है, यहाँ पर ये 336 लीटर का दिया गया है, जो कि 60-40 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है लगभग 690 लीटर का जो है स्पेस इससे ले सकते हो। 336 लीटर वैसे तो नॉर्मल, अगर आप सेगमेंट साइज स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 350 लीटर तक जो है वो होता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं महसूस पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बूट हाइट है, मतलब कि उठाने के लिए, वो काफ़ी जो है डीप दी गई है। थोड़ा सा आपको उठाने के मेहनत करनी पड़ेगी अंदर डालने के लिए, लेकिन यही थोड़ा सा इसमें कमी है। बाकी जो है इसमें नॉर्मल चीज़ें सब मिल रही हैं। मुझे यूज़ेबल कैटेगरी में देखा जाए तो यूज़ेबल कैटेगरी में ऐसा इतना इशू नहीं है इस लीटर की कैपेसिटी को लेके। अभी जैसे मैं अंदर आने में मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, सीधा आ गया। थोड़ी सी नीचे है गाड़ी, इतनी भी नीचे नहीं है, लेकिन हाँ, जो इसका अनलेडेड जो है ग्राउंड क्लियरेंस है वो उतना जो है बेहतर नहीं है, लेकिन आपको ओके लगने वाला है। बट यहाँ पर मैं अब इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो ये इंटीरियर जो है, आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रैवर पर बेस्ड है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, तो उसी से इंस्पायर्ड है सब कुछ। बट ऐसा है कि जब मैंने रेनो की काइगर देखी तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने उसको एक्सपीरियंस करा, वहाँ पे तो पूरा का पूरा थोड़ा डिज़ाइन एलिमिनेट वैसे ही किया गया, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ चेंज करी गई है। मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी ये जो है एसी वेंट्स पे, जो कि लैम्बोर्गिनी स्टाइल दिए गए हैं, थोड़े से अलग दिखते हैं। बीच में जो टेक्सचर अलग कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है फ्रेशनेस ऐड करी गई है इस इंटीरियर के अंदर, जो कि देखने के मामले में अच्छी लग रही है। ये यहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पर स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर जो है दो शेल्फ अपार्टमेंट दिए गए हैं। ये फेमिलियर होगा जो है ट्रैवर से, लेकिन वैसे डिज़ाइन एंगल में दिख रहा है। यहाँ पर जो है वायरलेस, और नीचे जो है आपको नॉर्मल जगह रखने के लिए, यहाँ पर जो है आपको चार्जिंग सॉकेट और USB सॉकेट, और यहाँ पर ये जो है गियर लीवर, यहाँ पे बॉटल होल्डर, ये थोड़ा सा नीचे है, और ये जो आर्म रेस्ट है फिक्स दिया गया है। और ओवरऑल कैबिन का भी जो इंटीरियर का फील है वो ब्लैक दिया गया है। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, लेकिन वैसे नहीं है एकदम आपको हाई क्वालिटी का इंटीरियर फील कराता हो, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इस एरिए की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है 7 इंच की पूरी डिजिटल TFT दी गई है, जो कि काफ़ी विविड है देखने के मामले में। ये फंकी लगती है, यंगनेस फील होता है इसमें, तो ऐसा इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर रेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, और स्टेयरिंग व्हील पे भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये इस साइड में इस इंफोटेनमेंट के इस साइड पे यहाँ पे जो TFT स्क्रीन है, और क्रूज़ कंट्रोल के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन दिया गया है। जी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो इसके अंदर, और जो है लेवलिंग का, हेडलैम्प लेवलिंग का, और यहाँ पर आपको विंडोज़ के और आउटसाइड रियर व्यू मिरर के एडजस्टमेंट स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अब इस सेंटर कंसोल के बारे में, यानी कि सेंटर पार्ट के बारे में, तो 8 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको वायरलेस, जी हाँ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है। जिसके वजह ये है कि मुझे ये गाड़ी पसंद आई है इसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस अच्छी है। मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा फ़ोन जो है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने लगा के छोड़ दिया, मेरा फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, और इसके साथ एंड्रॉयड ऑटो का मैं जो है पूरा का पूरा मज़ा भी ले रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैं हैजल फ्री हूँ बिना किसी वायर के साथ यूज़ करने के लिए, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी बात है। अभी यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको यहीं पे दिया हुआ बटन, जो कि 360 डिग्री कैमरा का, इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ओके है फील करके मामले में। लेकिन हाँ, ओवरऑल टच रिस्पॉन्स इसमें काफ़ी अच्छा है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो बाकी फीचर के बारे में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल यहाँ पर वही इसको
एसी के थोड़े बहुत कंट्रोल्स, हैजार्ड स्विच का और अनलॉक अनलॉक का यहाँ पे नॉर्मल रोटरी स्टाइल आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छी फील वाले तो नहीं है लेकिन स्टाइल काफ़ी अच्छा है इनका यूज़ करने के लिए। और नॉर्मल जो है यहाँ पर, मैं जैसे बता रहा था स्पोर्ट्स कार में ऐसे आते हैं स्विचेस वगैरह, लेकिन क्वालिटी में उतना अच्छा मुझे फील नहीं हो रहा। ये थोड़ी सी लो बजट गाड़ी है, मैं आगे बताऊँगा कितने की आ रही है, लेकिन आपको ये ऐसा फील कराएगा। वैसे तो इसके जो गेट है थोड़े वो वाइड ही खुलते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद जो ये बेंच सीट है वो थोड़ी सी आपको ऊंची लगने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपका थाई सपोर्ट ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपनी हाइट बता देता हूँ 5.8 इंच है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मैं पीछे चलाने का शौकीन हूँ तो यहाँ पर मैं लेग्स जो है अपनी आसानी से स्ट्रेच आउट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो स्पेस है काफ़ी अच्छी मिल रही है पीछे के मामले में। और हाइट अगर बात करें, मैं टर्बन बांधता हूँ तो यहाँ पे हाइट में मुझे लगता है 6 फीट से ऊपर के लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, ऊपर उनका सर जो है टकरा सकता है छत से। और पीछे का जो एंगल भी है ये थोड़ा सा स्लांट है, ज़्यादा स्लांट नहीं है। यहाँ पे भी आपको हेडरेस्ट पूरे मिल रहे हैं। विड्थ की बात करें तो विड्थ में मुझे लगता है कि आसानी से मेरे से पतले लोग तो 3 आ जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग 2 ही आ पाएंगे, बीच में बच्चा या टीनेजर बैठ सकता है, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं है। और फ्लोर हम्प भी इतना बड़ा नहीं है तो तीसरे बंदे को भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिल रहे हैं डेडिकेटेड, जो कि फ्लो कंट्रोल के साथ है। नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है और यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर जो फ़ोन अपना रखने की जगह है साइड में यहाँ पर, और जो है वाटर होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। और भी चीज़ों की बात करूं तो यहाँ पे छोटी सी एक साइड में विंडो दी गई है, और भी यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ वाटर होल्डर के स्पेस भी ओके दी गई है आगे और पीछे में। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा इशू नहीं आने वाला कि एक्स्ट्रा स्पेस हो, कुछ भी ऐसा हो, स्पेस के मामले में ओके ये लग रही है। लेकिन अगर आप बाकी फीचर्स के बारे में बात करें जो कि अंदर की तरफ हैं, वो वहाँ पर 7 इंच की एक TFT स्क्रीन जो कि आपको MID डिस्प्ले मिलती है ड्राइवर साइड में, और 8 इंच की जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेसली जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में इसमें क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है, और जो इसमें एक और टेक पैक करके कंपनी ने लेके आया है जिसके तहत आपको एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, तो ये ऐसे जो हैं तमाम चीज़ें जो है आपको मिल रही है, पेडल लैंप वगैरह, तो ये चीज़ें आपको उस टेक पैक के दौरान मिल रही हैं। अगर हम बात करें अब सेफ्टी वाइज के, तो सेफ्टी वाइज दो एयरबैग ABS विद EBD तो मिल ही रहा है, एंटी रोल बार भी इसमें ऐड हो गई है, साथ में इसमें जो है VDC व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जो कि काफ़ी अच्छा है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट भी आ रहा है, और 360° कैमरा जो सेफ्टी वाइज ज़रूरी भी होता है रिवर्स पार्किंग के लिए, और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे जो है तमाम फीचर इसमें ज़रूर आपको मिल रहे हैं। फीचर्स उतने बेहतर तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कमी है, सनरूफ की कमी है, और बाकी जो है कनेक्टेड फीचर की बात करें तो जो वो 50 तरीके की अवेलेबल, जो कि बहुत मामूली फीचर हैं जियो फेंसिंग के, व्हीकल के सारे डाटा लेने के, यानी कि व्हीकल के साथ आप स्मार्ट वॉच में आप अपना इस गाड़ी का डाटा देख सकते हो जियो फेंसिंग, जैसा मैंने बताया आपको। तो ऐसे थोड़े बहुत टेक फीचर जो हो जरूर आ रहा है कनेक्टेड फीचर, लेकिन अभी भी इसमें जो है वो मेन बड़े बड़े जो फैंसी फीचर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन ओवरऑल जो मोस्टली यूजेबल फीचर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो जी ये जो मैग्नाइट है ये 2 इंजन के साथ अवेलेबल है, एक तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड जो कि डुअल VVT के साथ है, दूसरा भी 1 लीटर का 3 सिलेंडर है जो कि टर्बोचार्ज है। जो टॉप ऑफ द लाइन है वही मैं आज चला रहा हूँ टर्बोचार्ज वाला, जिसकी पावर है 100 PS और 160 Nm का टॉर्क निकालती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ आज चला रहा हूँ CVT का, यानी कि
ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब यहाँ पर ऐसा है कि ऑटोमेटिक होने की वजह से जो मैं इस इंजन के बारे में जितना जान पाया हूँ वो उतना नेचुरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये एक्सपीरियंस हो पाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो इंजन का एक्सपीरियंस है ऐसा है कि लो एंड में आपको नॉर्मली फील होगा, जैसे जैसे आप जो है चलती जाएगी और उतने में आपको लगभग 2000 RPM के आसपास एक अच्छा खासा पुल मिलता है, जो कि लीनियर पुल में जिसे कहूँगा उतना एग्रेशन वाला पुल नहीं है इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है इसमें। वो जो है 2000 RPM से 2500 RPM के आसपास जब होता है तो जब वो उस क्राइटेरिया से जाती है तो आपको एग्रेशन महसूस होना चालू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो एग्रेशन क्यों है, क्योंकि पावर तो जरूर कम है, 100 PS की जरूर दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो वेट है वो बहुत कम है, लगभग 1000 किलो से थोड़ा सा ऊपर का वजन है, जो कि इसे काफ़ी हल्की इस कैटेगरी में गाड़ी बना रहा है। और ऊपर से यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इस इंजन का काफ़ी अच्छा मिलेगा, टॉप रेंज में जाते सारी लगभग जो है 5000 RPM तक तो आपको अच्छा खासा इसमें ग्रंट मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो आपको महसूस होगा रेव हो रहा है इंजन, तब जो है वोकल भी हो जाएगा इंजन, लेकिन उतना वोकल नहीं होगा जितना आपको जो है दिक्कत लगे, और हार्शनेस भी इस इंजन की उतनी नहीं है जितनी आपको वो ट्रैवर में मिलती थी 1 लीटर वाले के साथ, टर्बोचार्ज में वो थोड़ी सी कम करी गई है, उतनी हार्शनेस तो नहीं है इस इंजन के अंदर। और ऊपर से जो आइडलिंग में जो आपको महसूस होगा कि आइडलिंग में कैसा महसूस हो रहा है, आइडलिंग में थोड़ी बहुत सी आपको हार्शनेस वाइब्रेशन थोड़ी सी महसूस होंगी, उसके बाद कुछ भी ऐसा इशू नहीं होगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर आपको जो CVT दिया गया है, एक्सट्रॉनिक CVT दिया गया है, अभी यूज़ करने में कैसा, यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है, एग्जैक्टली ये वर्क करता है जैसे अभी देख रहे हैं, मैं अभी 1500 RPM पे क्रूज़ कर रहा हूँ, मुझे पावर चेयर 43 के आसपास मेरी स्पीड है, अब मैं जैसे देख रहा दबाया और ये रेव हो गया, उतने में इंजन चल पड़ा, बहुत ही माइनर सा डिले, उतना ज़्यादा तो नहीं है कि आपको महसूस हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है इसका, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, उतना बेहतर तो नहीं है जितना आपको वो किक्स में मिलता था एक्सट्रॉनिक वाला, लेकिन आपको काफ़ी जो मेरे नज़र में CVT के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बेटर है, कुछ भी इसमें इशू नहीं आते। तो यहाँ पर जो CVT का काम है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, ऊपर से लोड मोड और स्पोर्ट मोड भी दिए गए हैं इसी में। लोड मोड में तो आपको मालूम है कि इंजन को जो है 4000 RPM से ऊपर करके रेव करके चलता है, जिससे कंटिन्यूसली पावर निकालनी हो चढ़ाई पे गाड़ी हो तो उस पर भी चढ़ जाए, तो ये सब चीज़ें उसमें दे रखी हैं। साथ में इसी के पीछे जो है एक स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप यूज़ करेंगे तो जो इंजन का रेव बैंड है वो जो है 2500 RPM से ऊपर रखेगा, 3000 के बीच में रखेगा, तो वैसा ही आपको महसूस कराएगा कि इंजन में पावर है। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि इंजन में पावर की कमी ऐसा सच नहीं है, आपको महसूस नहीं होगी, काफ़ी अच्छा इंजन भगने में लगता है और परफॉर्मेंस में काफ़ी ठीक लगता है, क्योंकि इसमें जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको इनिशियल पावर पिकअप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बस थोड़ा सा महसूस होगा जब ये 3000 स्पीड में चली जाएगी। यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है वो ऐसा है कि आपको थोड़े से यहाँ पर आपको बहुत माइनर सा स्टिफ है, ज़्यादा नहीं है, इतना स्टिफर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है ये कोजी फील करते हैं, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है। हाँ, हाईवे पे जाते उतना ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं देते, लेकिन थोड़ी बहुत आपको महसूस होगी। उसी के साथ में इसमें जो है एक इसमें एंटी रोल बार ऐड कर दी गई है, जिसकी वजह से जो बॉडी रोल है वो वेल कंटेन्ड है, लेकिन आपको महसूस अच्छा खासा होगा कि बॉडी रोल इसमें मौजूद है। और ऊपर से साथ ही में जब स्टीयरिंग का जब तड़का लगता है, स्टीयरिंग रिस्पांस का तड़का लगता है, तो वहाँ पे ये जो गाड़ी है वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाती। हैंडलिंग में मुझे यहाँ पे लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हल्का सा फीडबैक आता है लेकिन उतना बेहतर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज फीडबैक है, कहीं पर ये थोड़ा सा हैवी लगता है, कहीं पे एकदम से लाइट फील करता है, अगर आपको कॉर्निंग करनी हो तो वहाँ पर जहाँ पे इसको थोड़ा सा फीडबैक दिखाना चाहिए था वहाँ पे वो हल्का सा लैग हो जाता है, तो ये मुझे लगता है कि इशू है। और उतना भी डायरेक्ट फील नहीं करता ये जो है स्टेयरिंग जो है अपने टायरों के साथ, तो ये इशू ज़रूर आएगा, लेकिन ये टायर भी जो है थोड़े छोटे दिए गए हैं सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो परफॉर्मेंस जो है कॉर्निंग पे
उतनी बेहतर तो नहीं है, आपको बॉडी रोल भी थोड़ा सा महसूस होगा, थोड़ा सा जो है आपको कॉन्फिडेंस भी कम आएगा। तो ड्राइविंग के पोस्चर में इतना कहूँगा ये एवरेज है, मैं उसको उतना अच्छा नहीं बोलूँगा कि हाँ इस सेगमेंट में और भी जो हैं व्हीकल्स अवेलेबल है जिनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नॉर्मल ड्राइव चाहिए, स्ट्रेट हाईवे पर ज़्यादा ड्राइव करते हो, तो वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स इसका, उसमें कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा था ड्राइविंग के हिसाब से। अब बताता हूँ कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी कैसी है। फ्यूल इकोनॉमी 18 की क्लेम करी है, लेकिन जितना मैंने क्लेम देखा है कि सीवीटी में उतना बेहतर नहीं दे पाती। हैवी सिटी ट्रैफिक के अंदर जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी वो मिलेगी लगभग 11 से 13 के बीच में। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो हाँ 14 से 15 के बीच में ओवरऑल कैटेगरी में आपको मिल जाएगी। हाँ थोड़ा अगर इसे हार्ड आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है 10 से 12 के बीच में ही रह जाएगी। अब जो है हाईवे की फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करूँ तो आपको 16 के आसपास मिल सकती है, 16-17 अगर आपकी इसकी। वैसे तो इसका जो स्ट्रेस-फ्री लेवल है सीवीटी का 2000 RPM तक जो है, अब इसे आसानी से 100 की स्पीड पे क्रूज़ करते हो, स्ट्रेस-फ्री लेवल तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप 100 की से स्पीड से कम चलाएंगे तो भी आप जो है 18 की जो फ्यूल इकोनॉमी वो अचीव कर सकते हो। तो ये इसमें ऐसे एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब बात करें कि अब जो है बाकी चीज़ें कैसी हैं। वैसे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में उतना क्रिस्प नहीं है, थोड़ा स्पॉन्जीनेस लगता है, तो बाइट स्पोर्ट मतलब सॉफ्ट बाइट लगती है, उतना अग्रेसिव बाइट नहीं लगती इसकी। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट इसमें आ रहे हैं। 205 mm के ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी इसमें जो है ऑफरोडिंग आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कम ही ऑफरोडिंग करना, यानी कि हार्ड ऑफरोडिंग बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है आप इसे कच्चे रास्तों पे चला सकते हैं। और वैसे भी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ इतनी प्रेफरेबल नहीं होती ऑफरोडिंग के लिए, तो उतने में इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो मुझे ड्राइविंग के मामले में इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल तक जाती है, लेकिन आपको उतना बेहतर अनुभव नहीं दे पाती, जहाँ पे थोड़ा सा लगता है स्कोप होना चाहिए था। हार्शनेस लेवल जो है, जो कैबिन नॉइज़ भी है एट द एंड, जो पूरा कैबिन का एक्सपीरियंस है वो उतना जो है मैं कहूँ बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा है काफ़ी जो है। 3 सिलेंडर के हिसाब से जो अंदर जो वाइब्स हैं या नॉइज़ है वो काफ़ी वेल कंटेन रखी गई है, और बाहर का जो ट्रैफिक नॉइज़ भी वो भी काफ़ी कम ही आती है। तो यहाँ पर ये इसमें एक्सपेक्ट आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट इसमें जो है, जैसे बता रहा हूँ कि स्टेयरिंग रिस्पॉन्स को लेके थोड़ा अच्छा हो सकता था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मुझे लगी कमी है, इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स है अभी भी। बाकी जो है अब कंक्लूजन देख लेते हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करें, आपने देख ले चलाने में कैसी है, कैसा स्पेस है, सब बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो इसका बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, बन सकता है कि बन भी रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो बुकिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये वाकई में जो गाड़ी है वो अभी के लिए तो हिट हो चुकी है, लेकिन हमारे नज़रिए से देखा जाए तो प्राइसिंग इसका मेन फैक्टर रहता है। जैसे मैं आपके सामने प्राइसिंग दिखा रहा हूँ, इसमें जो है दो इंजन आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब टर्बोचार्ज वाला जो इंजन है वो आपको आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग 7 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस CVT के वेरियंट में, जो कि ये प्रीमियम ओ वेरिएंट है, यहाँ पर आपको जो ये पड़ेगा 9,45,000 का एक शोरूम प्राइस पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है दूसरी गाड़ियों की तरफ देखेंगे जो कि सेगमेंट में है, वहाँ पर ऑटोमेटिक के जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये प्रॉपर ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छे प्राइसिंग पे दे रहे हैं, और मैनुअल का भी जो प्राइसिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे दामों पे मिल रहा है, जैसे मैं आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो यही इसका मेन फैक्टर है कि हाँ निसान पे लोग जो है ज़रूर भरोसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वही करें जिनके पास जो है डीलरशिप अवेलेबल हो, रीच अवेलेबल हो पूरी तरीके से। और मुझे भी लगता है कि इंजन काफ़ी अच्छा है और फीचर लिस्ट भी काफ़ी ठीक मिल रही है, चलाने में आपको बताई दिए कैसी है। अब मेन बात यही पे कहा के ख़त्म होती है, अगर आपका बजट जो है उतना ज़्यादा नहीं जा सकता जो कि दूसरे सेगमेंट की गाड़ियां हैं, या इसी सेगमेंट की गाड़ियों की दूसरी गाड़ियां हैं जो प्राइसिंग है उनका बहुत ऊपर चला जाता है, तो एक किफ़ायती बजट में टॉप मॉडल जैसे फ़ीचर लेने हो तो डेफिनेटली ये गाड़ी आप जो है ले सकते हो। लेकिन उतनी भी ये SUV नहीं है, लेकिन जिसको SUV जैसा स्टांस चाहिए तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली मैग्नेट एक चॉइस बन सकती है। तो ये था हमारी वीडियो में, ये है मैग्नाइट की वीडियो। अगर आपको कैसी लगी बताना जो कमेंट सेक्शन में, अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू।